हाय गाइस, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ एंड वेलकम टू माय एनी चैनल। गाइस, जब भी हमारे पास कोई टेलीफोनिक कॉल आता है या फिर जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या आता है, बताओ क्या आता है? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। कितना सिंपल लगता है, राइट? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यार अपने बारे में कुछ बताओ। आपको एक बात बताऊं, मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, इतना रिच एक्सपीरियंस है, लेकिन आज भी जब भी मुझे कॉल आता है या फिर मुझे किसी इंटरव्यू राउंड के लिए जाना होता है तो आज भी मेरे पसीने छूटते हैं। मुझे ऐसे लगता है, अरे चलो मैं ये राउंड अच्छा कर देती हूँ, अदरवाइज़ मेरी तो वॉट लग जाएगी। और मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती हूँ और मैं 2-3 बार प्रैक्टिस करती हूँ और कहती हूँ, हे भगवान, ये मेरा इंटरव्यू डन कर देना, ये मेरा इंटरव्यू डन कर देना। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? वैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये क्वेश्चंस जो भी आते हैं, जब भी आता है आपके सामने, अपने एक्सपीरियंस के लेवल में मैं बता रही हूँ कि मैं आज तक जितने भी इंटरव्यू के लिए गई हूँ मैंने इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। जब भी मेरे सामने क्वेश्चंस आते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं उसमें 6 चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ। एंड आज की डेट में मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे मेरा 100% सिलेक्शंस होता ही होता है। हाँ, कुछ कंपनीज में सैलरी की वजह से वो नहीं हो पाता है, वो बात अलग है, बट ये जो राउंड है मेरा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये मैं परफेक्टली कर देती हूँ और मैं आपको वही अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं किन 6 चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ अपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में, राइट? तो पहला है योर नेम, ओके, एंड सेकेंड थिंग है आपका क्वालिफिकेशन, थर्ड थिंग जो मैं इंक्लूड करती हूँ वो है एक्सपीरियंस, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो इंक्लूड कीजिए, फोर्थ थिंग है आपकी हॉबीज, फिफ्थ है आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड सिक्स्थ है योर एम्बिशन। तो ये 6 चीज़ों को इंक्लूड करना होता है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन में। तो इसके लिए आपका क्या होता है कि आपको एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है, एक प्रेजेंटेबल तरीके से अपने स्पीच को तैयार करना होता है। मैं इसको और आसान कर देती हूँ, मैं कुछ डेमोज दिखा देती हूँ आपको, कैसे एक स्टूडेंट को देना चाहिए पर्सनल राउंड ऑफ इंटरव्यू, एंड कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देना चाहिए, एंड कैसे एक MBA ग्रेजुएट को देना चाहिए। तो कुछ डेमोज दिखा देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा, राइट? सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच, ओके? नाउ आई वांट टू शो यू हाउ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर गिव्स एन इंटरव्यू। यस अनीता, हाउ आर यू टुडे? अनीता, आई एम फाइन सर, हाउ अबाउट यू? वेरी गुड, वेरी गुड। सो Anita, I got your resume. So, can you tell me something about yourself? Yes, sir. So, my name is Anita and I have completed my BTech from Amity University. Okay. And during my studies, I have learned so many languages like C, C++, Java, .NET. I have also learned database concepts like SQL Server and Oracle. And in the last semester, I worked as an intern with Wipro company. There I was a part of software development team who are working on mobile app application development. And coming to my hobbies are listening to music, shopping and browsing the internet. And coming to my family, I have a brother and a sister. I stay with my family. And my ambition is to become a senior software programmer. That's good, very good. Thank you, sir. Okay, best of luck. Now, I want to show you the interview of a medical student with some achievements. Mr. Teen Shining Star, Kumar Abhishek. Service to mankind is service to God. With this thought, I am Kumar Abhishek Mohanty, a 19-year-old boy belonging from the temple city Bhubaneswar, Odisha. The motto of my life is to become a doctor, because doctor is the one and only person who is next to God, and I am a NEET aspirant student from LN Bhubaneswar. Apart from this line, I am also a fashion model. I am Mr. Teen India Shining Star 2019 and Mr. Prince Charming of Odisha 2020. As a student, I believe in 3D, and these 3D are determination, dedication,
and discipline. So this was my intro. Thank you. Bye. So guys, he is Srinivas and he has completed his master's degree. So let him ask. Okay, Srinivas, tell me about yourself. Good morning all. How are you? I am Srinivas Patro. I have completed my MCOM from Osman University, Hyderabad. After that, I have started my career in the banking industry in the year 2005, where I worked as a trainee. Then I got promoted over there as a trainer. After that, I switched to the different industries like education, marketing and operations. I have total 15 years of experience in the field of operations, banking and marketing. Coming to my family background, I have 4 sisters and 2 brothers. 2 brothers are settled in Singapore and all 4 sisters are got married. I am the only youngest son in the family. Coming to my hobbies, I love to listen to songs, especially old songs, or reading books like fiction, romantic and singing songs also. My ambition is to become a rich corporate trainer in the future. Oh, that's good. So guys, this is all about tell me about yourself. So please apne doston ke sath bhi is video ko share kijiyega. This would be helpful for them. And if you like my work and my video, please do like, share and subscribe. Love you guys. Bye bye.